आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी की रूम में घुसी रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने उड़ाया पुल। बमबारी और मिसाइल से हमले के बीच यूक्रेन सरकार का आदेश 18 से 60 साल के सभी पुरुषों के देश छोड़ने पर लगाई रोक। यूक्रेन के दो पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन ने किया ऐलान, रूस के खिलाफ संभालेंगे जंग का मैदान। बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, कहा डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को मजबूती दे रहा भारत। जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद, सेना का ऑपरेशन जारी। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। खबर देवरिया के सदर विधानसभा से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने शहर में लोगों के सामने हाथ जोड़कर 3 तारीख को कांग्रेस को वोट देने की अपील की। वहीं इस दौरान पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने बताया कि हमारा देश ठगी का शिकार हो गया है, जबकि बीजेपी सरकार में युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और रोजगार की समस्या पैदा हो रही है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ, हमारी सरकार बनेगी प्रियंका दीदी के नेतृत्व में। हम विकास के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश को जात धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटने वालों से लड़ रहे हैं, रोजगार के नाम पर लड़ रहे हैं। हमारी सरकार जहाँ है वहाँ पुरानी पेंशन को लागू कर दिया, कल राजस्थान में आज महाराष्ट्र में सारे संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया, किसानों को 2500 रुपया क्विंटल गेहूं धान का एमएसपी दे रही है। लेकिन मोदी योगी की सरकार झूठ बोल के अपना काम निकाली है, दंग सांप्रदायिकता के नाम पर, देश बांटने के नाम पर। यह मोदी या योगी की सरकार रहेगी? बीजेपी सरकार दावा कर रही है इस बार 300 की पार जा रही है। झूठे झूठे झूठा वादा है। इस बार मोदी जी अभी एबीवीपी का कार्यक्रम था, भाग चले लो, मन छोड़ देश लाइव देख रहा था, पूछा गया और अराजकता की तरह भारतीय जनता पार्टी यहां हुड़दंग मचाए, उसके बाद से भाग। खबर देवरिया से है, जहां भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया ने कंचनपुर चौराहे पर प्रचार कर जनता से आशीर्वाद मांगा। वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हर वर्ग के लोगों के साथ है, मेरे विधानसभा में जो अधूरे काम बचे हुए उसे सत्ता में वापसी के बाद पूरा किया जाएगा। बता दें कि सुरेंद्र चौरसिया रामपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं। क्या जनता से अपील है हम लोग के यहाँ, सुरेंद्र चौरसिया ने इसे कमल का फूल देखा जा रहा है, प्रत्याशी कोई भी हो सबका वोट कमल के फूल पे। आप जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य शिक्षा और बिजली पावर इसी पे विकास होता है। सारे शिक्षा के जो भी सरकारी स्कूल थे वो इंग्लिश स्कूल जैसे चमका दिए गए हैं, बिजली 24 घंटा जनता को मिल रही है, अनाज मिल रहा है, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज एम्स, हर सड़क हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज का फंड मोदी जी ने दे दिया है, देवरिया में चालू हो गया है, सबके सामने है, बगल में 50 किलोमीटर दूर पे आपका एम्स आ गया है जिसके लिए 1100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, इस क्षेत्र की महान जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और रामपुर कारखाना जिताने के लिए आतुर है। गांव-गांव में लोग जो समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्यार दिखा रहे हैं, इसे ये साबित हो गया है कि 3 तारीख। खबर मऊ के घोसी विधानसभा से है, जहां टिकट कटने के बाद पहली बार घोसी आए सपा के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह का जनता ने भव्य स्वागत किया, जबकि टिकट कटने से जनता में नाराजगी भी देखने को मिली, जिसके बाद मंच पर जनता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुधाकर सिंह भावुक भी हो गए। लाग भी दुला बूढ़ा हो गए, न जंग लगी तलवार, अभी सब हौसला वही है। और धन्यवाद इसके लिए हम गांधी और सुजीत सिंह ब्लॉक प्रमुख, घोसी के ब्लॉक प्रमुख रामकृष्णा जी, तमाम लोग गांधी
बहुत लोग हैं जिनको मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे नाम मौजूदगी में उन्होंने किया। फाइनल 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 बताइए, क्या डिसीजन रहेगा आपका, फाइनल क्या डिसीजन है आपका? फाइनल ईश्वर अल्लाह के हाथ में कि मेरे हाथ में? दारा सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं ना? किसको? दारा सिंह को। कौन कहा कि आपको मैं नहीं कर रहा हूँ? वो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, मैं कहा कि नहीं कर रहा हूँ। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज विधानसभा के बगहवा में युवा सपा नेता चिंकू यादव की समर्थन संजू गुप्ता ने अपनी ही पार्टी की मुस्लिम महिला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू कार्यकर्ता होने की वजह से शाहजहां और उनके लोग हमको और समर्थकों को जान से मारने की धमकी देते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां यूक्रेन रूस के युद्ध में यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा के परिजनों ने इंटरनेट के जरिए अपनी बेटी उम्मी खातून से बात की है। वहीं अब परिजनों ने भारत सरकार से अपने बच्चों को स्वदेश बुलाने की अपील की है। जिस तरह से यूक्रेन में भारतीय छात्र छात्राएं फंसे, इसी बीच लगातार भारतीय पेरेंट्स की चिंता भी बढ़ते जा रही है और सभी लगातार मोदी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को अपने स्वदेश वापस बुलाया जाए। लगातार जिस तरह से रूस हमले कर रहा है यूक्रेन पर, अभी कीव को भी तबाह करने में लगा हुआ है रूस, इसी को देखते हुए जो पेरेंट्स हैं, जो छात्राओं के माँ और पिता हैं, उनका ये कहना है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द स्वदेश वापस बुलाया जाए। लोग लगातार गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। इसी के चलते एक वीडियो कॉल सामने आई है एक छात्रा की, आपको चलिए सुनाते हैं। वो यहाँ पे हालात अभी उस तरह के ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा पहले से बिगड़ चुके हैं, सब घबराए हुए हैं, सब परेशान हैं। अच्छा। हम लोग सब अपने घरों में ही हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो चुका है, निकल भी नहीं सकते। अच्छा। दिमाग पे बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी है, साथ ही जितने भी यूक्रेनियन हो या हम स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट बहुत कम है। अच्छा, खाना वाना है, सब्जी पानी? खाने वाने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन पानी चला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी जाती है। अच्छा। तो उस कंडीशन में और ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं। आज सुबह इलेक्ट्रिसिटी हुई थी, ज्यादा ज्यादा चांसेस है की जिस उम्र में बेटियों की पीठ पर बस्ते का बोझ होना चाहिए, उस उम्र में उन्होंने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रखी है। कक्षा 7 में पढ़ने वाली दो बहनें अलीगढ़ के गांधी पार्क बस स्टैंड के पास भेलपूरी बेचकर अपने परिवार के लिए पालनहार बनी हुई है। दरअसल दोनों बहनों के पिता 3 साल से बिस्तर पर है क्योंकि वह लकवा ग्रस्त है। भैया इसके पापा काम नहीं कर पाते हैं, पेट के गुजारे के लिए हम इनके लगवाते हैं, काम भी करते हैं हम भी। क्या ऐसा कारण है, क्या बीमारी है पिता को इनके? बहुत इलाज करवाए मैंने मेडिकल में, उनने कही दिमाग की नस ब्लॉक है, इस कारण आवाज़ भी नहीं आती इनकी, यहाँ करते रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं काम करने आती हूँ लोगों के घर। नाम है गुड़िया आपका? गीता। गीता, आपकी एक फोटो काफी समय से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जो आप ढकेल पे खड़े होके भेलपूरी बेच रहे हैं, क्या कुछ कारण है ऐसा जो कि आपको भेलपूरी बेचनी पड़ रही है, ढकेल लगानी पड़ रही है? हमारी मजबूरी है। क्या कुछ मजबूरी है? मजबूरी है, हमारे पापा की तबीयत सही नहीं है, इसमें हम ढकेला। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई की है आपने? करी, हमने 5 क्लास कर रहे थे, ऐसे पापा बीमार हो गए, हमने पढ़ाई छोड़ के ढकेल। खबर बांदा थाना क्षेत्र के बाड़ गांव से है, जहां एक खेत में संदिग्ध परिस्थिति में महिला का शव मिला। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड के साथ मामले की छानबीन शुरू कर दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि ग्रामीणों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है, जिसकी हत्या के कारण का पता लगाया जा सके। आज हम लोग को लगभग 11 बजे रात में ये सूचना मिली कि बड़ा गांव में, थाना बिसंडा में लगता है, वहां पर एक खेत में एक महिला की डेड बॉडी है। तत्काल उस सूचना पर हम लोग मौके पर आए हैं, हमारे साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड सभी है। सीन ऑफ क्राइम को देखने पर प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये महिला चारा काटने यहाँ पर आई थी और फिर ईंट से इनके सर पर वार किया गया है, और जिस ईंट से वार किया गया वो भी इनकी बॉडी के बगल में मिला है।
सीन ऑफ क्राइम को पूरी तरह से देखा गया है और इसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। और आगे खबर बस्ती से है, जहां रेलवे की जीआरपी टीम ने 3 अंतर्राज्य महिला तस्करों को बस्ती रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया है। इनके पास 9 बोरों में 305 प्रतिबंधित कछुए बरामद किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार हुई महिला तस्कर कछुओं को बंगाल ले जा रही थी, जहां से कछुओं को चीन समेत अन्य देशों में भेजा जाना था, जबकि पकड़े गए कछुए के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख कीमत बताई जा रही है। कहाँ से? फैजाबाद से। अब कहाँ लेके जा रहे थे आप लोग? बनारस से कोई आता बंगाल का, उधर अब आता है उसको कपड़ा कुछ चावल। बंगाल की तरफ जाता है? कैसे लेके जाते हैं आप लोग? अरे वहाँ बनारस में मिल जाता है कोई आदमी। नहीं, यहाँ से कैसे लेके जाते हैं आप लोग? ट्रेन में जाते हैं आप लोग। मैं अपनी पूरी टीम के साथ गश्त पर था, तो कुछ महिलाएं 8-10 गट्ठर के साथ बैठी हुई थी रेल ट्रैक के किनारे प्लेटफार्म नंबर 1 के पूर्वी छोर पर। तो शंका बस हम वहाँ गए तो हमको देख के उससे थोड़ा बहुत और हड़बड़ाने लगी। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि सब सामान क्या रखे हो तुम लोग? तो उन लोगों ने आनी बाना करते हुए बहाना बनाया कि खाने पीने वाला सामान है, लेकिन पैर वगैरह से जब हम लोगों ने टच किया तो लगा उसमें कि कुछ ऐसा चीज़ रखा है जो हिल रहा है। तो फिर फोर्थली पूछने पर बताएं कि सर इसमें कछुआ है। पहले तो कम मात्रा में बताएं, लेकिन बाद में सीरियस पूछताछ करने पर बताएं कि इसमें कछुए, सारे 9 गट्ठर थे, 9 में कछुए हैं। फिर उन सबों को खुलवा के चेक किया गया तो वास्तव में कछुए ही थे। और इसमें वन विभाग की टीम को फ़ोन किया गया, रेंजर हैं सूर्यनाथ जी, उनको फ़ोन किया गया तो वो अपनी टीम के साथ आए और देख करके बताए कि ये भारतीय प्रजाति के फ्लेप प्रजाति के कछुए थे जो यहाँ प्रतिबंधित थे। और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि ये हम फैजाबाद से निकलने वाली सई नदी है, सई नदी से ले आए हैं, कुछ तालाब वगैरह से मार के इकट्ठा करते रहते हैं और इसको हम लोग बेचने बंगाल के साइड में ले जा रहे थे, वहाँ से फिर ये बाहर चल जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये महंगा मिलता है, घटता बढ़ता रहा, लेकिन ये जो कछुए 305 है कछुए बरामद हुए हैं। फिरोजाबाद थाना टुंडा क्षेत्र के गांव गढ़ी भक्ति में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लाखन सिंह नाम के युवक के घर में लोगों ने आग लगे देखा। वहीं इस दौरान आग की सूचना मिलते ही दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और डायल 112 पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी और डायल 112 पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मकान में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग में कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मकान में मौजूद महिला ने बताया कि गाँव के ही 3 से 4 लोग घर में घुस कर आए और उसके उनके परिजनों के साथ मारपीट की और घर में आग लगाकर मौके से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।